वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई है, अगर इसको समझोगे थोड़ा सा ध्यान से तो आप लोग काफी कुछ यहां से समझ पाओगे। बोला गया यही जगत की रीत है और यही जगत की नीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप लोग एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। आप लोग सुबह को उठते हो, आप लोगों को सुबह को उठते टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, आप लोगों का जो मन है वो थोड़ा दुखी हुआ, यार जिस टाइम पर उठना था उस टाइम पर हम लोग नहीं उठे, थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में फिर कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई जो कि आप लोगों को बेसिकली दुख पहुंचाने वाली थी, ठीक है। घर पे पता चला किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, आपको शुरू से ही लगने लगेगा यार आज का दिन काफी खराब है। उठकर चले, पता चला कहीं कोहनी लग गई, घुटना लग गया, वहां पर थोड़ा सा ब्लड निकलने लगा, आप लोगों को लगे यार आज का दिन तो कतई घटिया है, ठीक है। पर लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, आप लोगों को और भी ऐसी एक दो चीजें सुनने को मिली। आप लोगों का मन जो है तब तक बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था कि आज का दिन निकले किसी तरीके से। पर पता चला आते आते 2-3 बजे के करीब आपने कोई एग्जाम दे रखा था पास्ट में, उसका एकदम रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आया शानदार तरीके से। आप लोगों की रैंक है उसके अंदर में, जो पोस्ट आप लोगों को चाहिए थी वो पोस्ट मिल गई। तो अब कैसा लगेगा आप लोगों को? एक इस चीज को सुनना नहीं है, इस चीज को फील करके देखिए, एक सेकंड के लिए अपने आप को रोक कर यहीं पर फील कीजिए इसको अंदर से, अब कैसा लगेगा। आप लोगों के अंदर की जो एनर्जी है ना वो इतनी ज्यादा हो जाएगी, और पास्ट में जो भी आप लोग के पास साथ में हुआ, पूरे दिन के पास्ट में क्या पीछे लाइफ में भी जो भी गलत हुई है चीजें, सारी चीजें भूल के आप लोग कहोगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, यही तो चाहिए था। यहां से जरा सी देर में सारी चीजें चेंज होगी, क्यों? क्योंकि जो टारगेट आप लोगों ने रखा था ना वो टारगेट आप लोगों ने अचीव कर लिया। तो आप लोगों का मन जो है वो सारी नेगेटिव चीजें भूल गया, अब आप लोगों का मन पॉजिटिव सोचने लगा। आप लोग आज के दिन को कभी नहीं भूलेंगे, बोलेंगे यार आज का दिन सबसे शानदार है मेरी जिंदगी का, इसको डायरी में लिख के रख लेंगे एक साइड में कि हाँ यार दिन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या है, हुआ बेसिकली कुछ इंसिडेंट और जिसकी वजह से आप लोगों का दिन खराब लग रहा था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आप लोगों को अपना दिन अच्छा लगने लगा। पर लेकिन इंसान तो आप वही हो ना, अगर पर्टिकुलर आपकी बॉडी के अंदर बोले कोई चेंज हुआ, आप लोगों के विचारों के अंदर चेंज हुआ है बस, तो आप लोग जो होते हैं ना, जो फुल बॉडी आप लोगों की होती है वो आप लोगों के विचारों का ही एक तरीके से, जो आप लोगों का विचार जो होता है वही आप लोगों को बना रहे होते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो हमेशा चीजों के बारे में अच्छा सोचिए, चाहे जिंदगी में कितना भी गलत टाइम क्यों ना चल रहा हो, क्योंकि हमेशा वो बात याद रखना जो हमेशा मुझे याद रहती है, देखिए टाइम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर जाता है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को उन चीजों में नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए, जब कुछ अच्छी चीजें मिल जाए इतने ज्यादा एक्साइटमेंट मत हो कि धरती पर पैर मत रखो कि यार हम ही हम हैं और कोई नहीं है इस दुनिया में। और इसी के साथ में अगर बहुत ज्यादा दुखी हो तो उस टाइम पर ऐसा मत हो जाओ कि यार हमारी जिंदगी खराब हो रखी है और सब मजे कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आप लोगों को अपने आप को संभालना है। तो कई सारे ऐसे मेल आ रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जा रहा है तो ऐसी वाइब्स आती जा रही है जैसे कि अंदर से नहीं नेगेटिव होते जा रहे हो, ठीक है। पर लेकिन ऐसे भी मेल हैं जो कई सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को, तो दोनों तरीके के मेल मुझे देखने को मिलते हैं। जब मैं कंपेयर करता हूँ दोनों के बीच में तो एक अलग सा माहौल बन के आता है, ठीक है। तो मतलब पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, ठीक है, सारी चीजें हैं, घर पे सबके माहौल अलग अलग है, ठीक है, जिंदगी सबकी अलग अलग है, पर लेकिन उसी को एक इंसान इंजॉय कर रहा है और एक इंसान जो है उसी को जो है टैकल नहीं कर पा रहा है। तो यही चीजें आप लोगों की जिंदगी में होनी चाहिए कि जब भी दिक्कत आए उसमें से पॉजिटिव चीज निकाल के, तो देखो 110% मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव चीजें निकाल लोगे जो जिंदगी में सबसे घटिया चीज आप लोगों के साथ में हुई होगी। तो इसको देखो इंप्लीमेंट करके फिर जिंदगी जीने में मजा आएगा आप लोगों को। काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, दोनों लेक्चर अगर आप लोग लाइफ का पार्ट एक बार बना लेते हैं तो कुछ भी आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और आप लोगों का करंट अफेयर और इसी के साथ में जिसके साथ में बेसिक इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड चीजें होती हैं वो आप लोगों की अच्छे से कवर हो जाएगी। तो कोशिश करो कि इसका अपना लाइफ का पार्ट बना लो। अगर देखने के बाद में वीडियो लगे कि यार इसकी पीडीएफ अपने पास में होनी चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जैसे जाओगे आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा स्टडी लवर वीर के नाम से। और वैसे यहाँ पर भी आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारे लिंक मिल जाते हैं, जैसे कि स्टडी लवर वीर हो गया, इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप में भी जा सकते हैं आप लोग अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर राइटिंग करते हैं, जो पोस्ट ही करता हूं इसके नीचे आंसर राइटिंग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अभी एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी करिए। अगर आप लोग अच्छे से चीजों को पढ़ाई करके चल रहे हैं आप लोग काफी कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीजें। ओके आगे चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, एक ओवरव्यू लेंगे इसके बाद में फिर आगे चलेंगे। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है ताकि कोई टेंशन ना हो, ठीक है, एक तरीके से प्यार से देखिएगा लेक्चर। यार देखो किसी भी चीज को अगर आप लोग प्यार से करते हो ना वो चीजें याद रह जाती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। तो प्यार में पड़ जाओ करंट अफेयर के, तो आप लोगों की जिंदगी जो है वो आप लोगों की सवर जाएगी करंट अफेयर को लेकर। आइए बात करते हैं, यहां पर बेसिकली एक एक कर देखेंगे क्या क्या डिस्कस करना है। बात करेंगे स्टार्टिंग में वर्ल्ड राइनोज डे के बारे में, तो 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। वर्ल्ड रोज डे, ये वो वाला रोज डे नहीं है जो नॉर्मली वैलेंटाइन डे के टाइम पर आप लोग देखने को मिलता है, उसमें भी शायद कोई रोज डे होता है ना,
ये रोज डे जो है ये बेसिकली कैंसर के पेशेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये इसकी आप लोगों को थीम बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या एम, बेसिकली एम बताना है, थीम नहीं, एम बताना है आप लोगों को यहाँ पर कि क्यों सेलिब्रेट किया गया। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, प्यारी सी, आप लोग जानोगे तो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा जानकर। इसी के साथ में बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर, हमारी कंट्री के यानी इंडिया के, अभी 15वीं ईस्ट एशिया समिट एनर्जी जो हो रही थी मिनिस्टर की, उसमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। आप लोगों को थीम बतानी है इसकी क्या है। बाकी ईस्ट एशिया समिट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के हो सकते हैं। तो पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ उनको नोट डाउन करते रहो यार, पता नहीं कहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में हो, वो बैकग्राउंड पूछ ले आप लोगों से, ठीक है। ईस्ट एशिया ग्रुपिंग जो है वो फर्स्ट टाइम ये बेसिकली प्रमोट किया गया था 1991 में, खासकर जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला फंडा देखने को मिला। और एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है यहाँ पर, ये है मताहिर बिन मोहम्मद, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर MBM जिनके द्वारा ये इस तरीके की कंडीशन कुछ होनी चाहिए ईस्ट एशिया समिट। तो इसके बारे में जानेंगे क्या है अच्छे से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसको आप लोग FSR बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये बेसिकली किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये है, इस रिपोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी ये बोला गया कि हमारी कंट्री में NPA जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि क्या है, मतलब ये कि जो बैंक लोन पे पैसा देता है वो पैसा तो पैसा उसका, मतलब वो उसका ब्याज तो ब्याज, उसका मूल भी वापस आना मुश्किल लगता है। तो यानी कि उसका जो है पैसा डूबता हुआ नजर आता है, तो एक तरीके से उसका NPA बोल देते हैं। किसने नॉन परफॉर्मिंग यानी कि परफॉर्म करना बंद कर दिया एसेट्स, यानी कि जो उनका धन था। तो ये बातें हैं यहां पर। तो इसके द्वारा बोला गया था इस रिपोर्ट में कि 7.5% था यहां पर ये सितंबर 2020 में, अब बढ़कर 13.5% हो गया है ये बेसिकली सितंबर 2021 में। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है बताना। बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर, उसको इंप्लीमेंट करने की बात कौन सी कमेटी के द्वारा की गई, क्योंकि काफी सारे सेक्टर ऐसे थे COVID-19 के बाद में जो कि स्ट्रेस फेस करने वाले थे। तो बोला गया बैड बैंक जैसा कोई कॉन्सेप्ट निकाल कर लेकर आना है। तो इसके बारे में जाने, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 51% शेयर रखेंगे यहां पर NARCL के अंदर। ये NARCL क्या है इसके बारे में जानेंगे काफी अच्छे से। अभी रिसेंटली यहां पर एक रोबोट न्यूज में है जो कि आने वाले टाइम में काफी कुछ चेंज कर सकता है, जिसको बोलते हैं रेक्स मैक सेकंड, ठीक है। तो रेक्स MK सेकंड, तो ये किस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा बनाया गया है, ये बैटल जोन यानी कि युद्ध के ग्राउंड में जाकर ये जो रोबोट है ये यहां पर ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है कि जो इंसान भी ना कर सके, किसी के ऊपर फायर कर सकता है, कहीं भी जाकर इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, पेट्रोलिंग कर सकता है उन जोन में जहां पर बम्बारमेंट बहुत ज्यादा होती रहती है। तो ये एक तरीके से पूरे सिपाही का काम करेगा, यानी कि एक जो सोल्जर होता है उसके वाला काम करेगा। पर लेकिन क्या इसके अंदर सोल्जर वाली समझ रहेगी, क्या सही गलत में ये एग्जैक्ट डिफरेंस कर पाएगा, एट द एंड ऑफ डे तो मसीह नहीं है। तो इसके बारे में जानेंगे क्या क्या बातें बोली गई है, क्या क्या एथिकल प्रॉब्लम भी यहां पर हो सकती है आने वाले टाइम में, अगर आर्मी के अंदर हम लोग ऐसी कोई चीजें यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो, ठीक है। तो कई सारी ऐसी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो काफी प्यारा ये लेक्चर रहेगा, अच्छे से सुनिएगा टकटकी लगाकर, ताकि कोई भी डाउट देखने को न मिले। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर इंपोर्टेंट डे के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड राइनोज डे के बारे में। तो राइनोज जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि एक सींग का गेंडा, ठीक है। तो ये कई तरीके के राइनोज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है 22 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और प्रोटेक्ट करना है 5 जो स्पीसीज है यहां पर राइनोज की एट एनी कॉस्ट, यानी कि अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम के राइनोज पाए जाते हैं। जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया सुमित्रा राइनोज, ठीक है। तो जो इंडोनेशिया वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ब्लैक राइनो हो गया यहां पर ये, ठीक है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हो गए यहां पर, इसी के साथ में यहां पर ये हो गया जवान राइनोज, ठीक है, व्हाइट राइनोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कई सारे ये राइनोज के नाम है, 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया और थीम भी यहां पर ये रखी गया 5 राइनोज स्पीसीज फॉर एवर, यानी कि ऐसे नहीं कहते जैसे कि एक दूसरे के साथ में रहेंगे फॉर एवर, ठीक है। तो यानी कि एक दूसरे से प्यार करेंगे फॉर एवर, आप लोगों ने ऐसे शब्द कई बार सुने होंगे और एक दूसरे को कई बार बोले भी होंगे। तो इसका मतलब होता है कि हमेशा हम लोग ये काम करते रहेंगे, इसका मतलब ये, यानी कि हमेशा ये स्पीसीज जो है ये यहां पर होनी चाहिए, ये वाली बातें बोली गई है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, पता चल जाए, पता चला हमारी कंट्री में, आप लोगों से पूछ ले कोई एक ऐसे नेशनल पार्क का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा राइनोज पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप लोग नाम लिखिए उसका, और क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में यहां पर ये और काफी इंपॉर्टेंट राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, जो कि राइनोज के नाम पर ही है एक पर्टिकुलर, ऐसा समझ सकते हैं एक नेशनल पार्क, ठीक है। कैसे बनता है उसका नाम, चलिए मतलब मैं भी ना रुका नहीं जाता है, चलिए कैसे बनता है अब तो आप बता ही दोगे यार चलो अच्छा है, ठीक है, याद तो रहेगा कम से कम। आगे चलते हैं, यहां पर वर्ल्ड रोज डे के बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड रोज डे जो है ये 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और कैंसर पेशेंट्स के लिए है यहां पर ये। बेसिकली कैंसर पेशेंट जब भी यहां पर देखते हैं तो मुझे याद आता है मेरा एक फ्रेंड था जिसकी बेसिकली डेथ हुई थी, ये लगभग 2-2.5 साल पहले की बात हो गई। तो जब मैं कैंसर हॉस्पिटल में पहली बार मैंने विजिट किया, इस बार रियली यार ऐसा लग रहा था कि कहीं पर नर्क में आके खड़ा हो गया हूं,
मतलब हर आधे घंटे में वहां पर किसी न किसी की डेथ हो रही थी। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल था वो, किसी न किसी की डेथ हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जिंदगी जो है क्या, ठीक है, ये है जिंदगी जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं, मतलब पता नहीं चलता है कि ऐसा लगता है कि वही वही वाली बात कि जीते ऐसे हैं जैसे कभी जाएंगे नहीं और चले ऐसे जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो वहां पर लगभग जितना भी टाइम में रहा उतने टाइम में इतने सारे लोगों की डेथ होगी, मैं बोलने लगा यार यहां से निकलना है मुझे। मतलब सोचिए वहां पर जो पेशेंट रहता होगा उसके अंदर क्या चलता रहता होगा, जो डॉक्टर्स रहते होंगे उसके अंदर क्या चलता रहता होगा। तो वहां पर हिम्मत बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कनाडा की एक लड़की थी 12 साल की जिसका नाम था यहां पर मेलिंडा रोज, तो यहां पर इसके द्वारा काफी हिम्मत जुटाई गई कैंसर के खिलाफ। तो यहां पर एक काफी रेयर ब्लड कैंसर से यहां पर ये जूझ रही थी, तो इनके द्वारा बेसिकली नहीं कि एक गिव अप नहीं करना है, तो उसके चलते यहां पर ये जो लड़की थी, हालांकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो लड़की थी ये बच नहीं पाई थी, पर लेकिन कैंसर के साथ में जो लड़ाई की बच्ची ने, तो वो वाली काफी बोलने वाली बात है। और 12 साल की ओनली बच्ची थी, तो क्या सिखा के चली गई कि हमेशा कभी किसी चीज के साथ में डरना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए चाहे कोई भी दिक्कत क्यों ना हो। आप लोगों को ये लगता होगा कई बार कि अपनी लाइफ सबसे बर्बाद है, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वही गाना याद आता है कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ठीक है, तो वही वाली बात है, जब आप लोग किसी की जिंदगी में जाकर झांकोगे ना, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग बहुत खुशनसीब हो, बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास में ऐसी है जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, जिसके लिए लोग आस लगाते हैं कि यार हमारे पास भी कुछ ऐसा होता। तो कभी भी अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप लोग खुश रहोगे तो पूरे परिवार को भी थाम पाओगे और अपनी जिंदगी को भी संभाल पाओगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट दो डे देखें, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, कहने के लिए तो शॉर्ट न्यूज लिखा हुआ है पर लेकिन डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि कोई माइंड में कंफ्यूजन देखने को न मिले। बात ये की जा रही है रिसेंटली हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर है, ठीक है, फॉर पावर, इनके द्वारा 15th जो अभी ईस्ट एशिया समिट थी उसमें पार्टिसिपेट किया गया और थीम थी वी केयर वी प्रिपेयर एंड वी प्रोस्पर, यानी कि एक तरीके से हम लोगों को केयर भी करना है और प्रिपेयर भी रहना है, कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है और आगे अच्छे लेवल पर बढ़ना भी है प्रोस्पेरिटी की ओर। तो ये थीम है यहां पर, तो डायरेक्ट थीम पूछी जा सकती है और खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप लोगों से स्टेटमेंट देकर प्रीलिम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों को अगर बोले कि टोटल मिलाकर कितने मेंबर इसके अंदर, तो टोटल मिलाकर इसके अंदर 18 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 18 मेंबर कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। बेसिकली क्या है, 10 मेंबर तो आप लोगों को आसियान कंट्री देखने को मिलेंगे। आसियान में कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो यार G20 कंट्री के मेंबर जब यूपीएससी ने पूछ लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आसियान के बारे में पूछ ले आप लोगों से, ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछ ले आप लोगों से, तो ये कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो इस तरीके से अपने आपको प्रिपेयर करो कि कुछ भी हो जाए तो अपने हथियार तैयार रखने हैं। तो ईस्ट एशिया समिट जो है वो स्टेब्लिश की गई थी 2005 में और यहां पर 18 रीजनल जो लीडर थे वो एक दूसरे के साथ में जब इनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया। तो 18 लीडर कौन से थे, पहले तो आसियान कंट्री थे 10, तो अगर इनके बारे में बात करें 10 आसियान कंट्री कौन सी थी यहां पर, ये बर्नुई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी की 8 कंट्री कौन थी यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो जैसे कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया होगा वहां पर न्यूजीलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के चलते यहां पर याद रखिएगा जहां पर नॉर्मली जापान होता है वहां पर आप लोगों को साउथ कोरिया भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इंडिया और चाइना आप लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं दोनों को, और बाकी रसिया और यूएसए बच गया। तो टोटल मिलाकर ये देखने को मिलेगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की आप लोगों के बारे में पता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये वही है जिसमें 16 मेंबर हुआ करते थे और इसमें से इंडिया ने अपने आप को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि यहां पर दिक्कत ये लग रही थी हमको कि आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि बाहर का सामान जो है वो फ्लड हो सकता है हमारे देश में, यानी कि पता चला किसानों से रिलेटेड जो सामान बनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हमारे देश में आकर काफी ज्यादा हो गया, हमारे देश में किसानों का सामान लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो ऐसी दिक्कत देखने की चीजें लगने लगी, तो इसकी वजह से चीजों को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बातें इसके बारे में याद रखना। बाकी आसियान कंट्री के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बता ही दिया, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया इसका मेंबर है, वो जानेंगे इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में। तो इनका बेसिकली जो एम रखा गया है कि कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ में, आसियान को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो जो इस तरीके से आप लोगों को अगर बोला जाए आसियान के बारे में, तो थोड़ा सा कंपेयर करके अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो यहां पर आसान होगा आप लोगों के लिए इसको समझना जब आप लोग इसको यूरोपियन यूनियन के साथ में कंपेयर करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन एक नेक्स्ट लेवल का एडवांस वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आसियान उसी के पैटर्न में चलता हुआ एक एरिया है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि आसियान यूरोपियन यूनियन के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने वाला इस तरीके का कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आसियान बनाया कब था ये याद रखिएगा, ये 1967 में बनाया गया था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर बेसिकली, और ये फाउंड किया गया था, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक के अंदर नहीं है, हेडक्वार्टर आप लोगों को जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका देखने को मिलेगा।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, खासकर जब हम लोग अपनी कंट्री में बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो आसियान की तरफ को हम लोग काफी ज्यादा देखते हैं। अब बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता हूं, ईस्ट एशिया समिट एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में और यहां पर 18 टोटल लीडर है जिनके बारे में अभी आप लोगों को बताया। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए यहां पर ये बेसिकली बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से जो क्वेश्चन भी पूछा वो यहां से था, फर्स्ट टाइम इसका नाम निकाल के लाया गया 1991 में, जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा बोला गया, बेसिकली जिनका नाम था मताहिर बिन मोहम्मद, तो उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए जिसमें हम लोग मिलकर काम कर सकें। और 6 एरिया इनके बेसिक एरिया हैं जहां पर ये काम करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट एंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल हेल्थ इशू और जो पेंडेमिक जैसी बीमारी होगी उसके बारे में बात करते हैं, नेचुरल डिजास्टर कोई आ गया जैसे सुनामी साइक्लोन ये सारी चीजें उसके बारे में बात करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कनेक्टिविटी, अगर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहेंगे तो और सारी चीजें आप लोगों को अच्छी होती नजर आएगी, तो प्रोस्पर होती नजर आएगी। तो ये 6 एरिया इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर बन जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बर्नुई दरअसलम है यहां पर, ये चेयरपर्सन है 2021 के लिए आसियान के अंदर, अगर इसको देखेगा आप लोग, और इसी के साथ में द ओनली चेयरपर्सन बन सकते हैं ईस्ट एशिया समिट के अंदर। स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा, कंफ्यूजन में आ जाओगे कि ईस्ट एशिया समिट के अंदर टोटल 18 मेंबर है, तो यहां पर जो मेंबरशिप है अगर आप लोग को ऑप्शन में दे दे कि वहां पर मेंबरशिप आपकी बार ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आसियान के 10 मेंबर जो है वो यही यहां पर इसके बेसिकली इसको चेयर कर सकते हैं। बाकी के जो 8 मेंबर बच गए जिसमें इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया और यूएसए हैं, वो वाले 8 मेंबर कभी भी इसके चेयरपर्सन नहीं बन सकते हैं, वे जस्ट मेंबर रहेंगे, इसकी मीटिंग अटेंड करेंगे, क्या क्या चीजें उनको डिस्कस करेंगे, पर कभी भी इसके चेयरपर्सन नहीं बनेंगे। चेयरपर्सन बनने की पावर ओनली आसियान मेंबर के हाथ में इनके द्वारा दी गई है। अगर इंडिया से पूछे कोई, हाँ इंडिया किस तरीके से कैसे कनेक्ट है, तो इंडिया जो ईस्ट एशिया समिट है यहाँ पर, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है स्टार्टिंग से, यानी कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है। ईस्ट एशिया समिट के अंदर जो कि बैंकॉक यानी कि थाईलैंड के अंदर हुई थी नवंबर 2019 में, इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली यहां पर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इसे, जो इंडो पैसिफिक ओशन के लिए, तो यानी कि हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है यहां पर ये, जिसमें हमारे द्वारा भी पार्टिसिपेशन किया गया है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को इसका ओरा धोरा वो बता दिया सारा, नहीं कहते पूरा आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो अब कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर बताना, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है कंटेनर से रिलेटेड। कंटेनर आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े, ये जब जो मालगाड़ी सुना है, ट्रेन जब जाती है मालगाड़ी, तो उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े कंटेनर रखे रहते हैं। ये कंटेनर जो होते हैं काफी सारा सामान जो है इधर से उधर ले जाते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, बड़ी बड़े कोई भी व्हीकल हो गए, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो आसानी से कंटेनर में सेट करके उनको भेजा जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए यहां पर एक इसकी रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो ये कंटेनर। पर लेकिन कोविड-19 के चलते अभी काफी लार्ज स्केल पर डिसरप्ट हुआ ट्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली काफी लार्ज स्केल पर कंटेनर की शॉर्टेज बढ़ गई है कोविड-19 के चलते, तो इसके चलते कई सारे एम्प्टी कंटेनर जो है वो अलग अलग कंट्री में पड़े हुए हैं, कहीं पर लंबे समय से वेट लगी हुई है चीजों को, जैसे कि अभी कोविड-19 के चलते चाइनीज जो पोर्ट है वो वहां पर बंद कर दिए गए थे, काफी ज्यादा अभी फिर से चीजें ओपन हो रही है, तो फिर से चीजें स्टार्ट हो रही है। 300% रिक्वायरमेंट बढ़ गई यहां पर, ज्यादा जो फ्लाइट रेट बढ़ गया, यानी कि सामान आने जाने का रेट जो है काफी बढ़ गया है। आप लोग ये समझिए, ये बिल्कुल ऐसे, जैसे मान लीजिए आप लोग नॉर्मल सुबह को उठते हैं, अपना नाश्ता करते हैं, दोपहर को अपना लंच करते हैं, और इवनिंग में जब आप लोग डिनर करने बैठेंगे तो नॉर्मल तरीके से खाना खाएंगे, एक एक टुकड़ा खाएंगे, आराम आराम से चबाएंगे उसको 32 बार, अपना बाद में आधा पौना घंटे बाद पानी पियेंगे और शाम को सो जाएंगे, ये पैटर्न रहेगा। पर लेकिन सोचिए, पूरे दिन से ना तो आप लोगों को ब्रेकफास्ट मिला है और ना ही आप लोगों को लंच मिला है, शाम को मिल रहा है वो भी बस ओनली आप लोगों को डिनर, तो आप लोग डिनर को कैसे खाओगे? आप लोग ये बोलोगे छोड़ो पहले पेट भरना है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग स्पीड जो है वो कमाल की होगी, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, क्योंकि ना सुबह को मिला है ना दोपहर को मिला है, तो शाम को दबाकर खाओगे, तो ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लंबे समय तक जब ट्रेड जो है वो बंद रहता है तो फिर कोशिश ये की जाती है कि इसको फटाफट रिकवर किया जाए, फटाफट इसको भरा जाए बेसिकली, तो इसके चलते काफी सारे कंटेनर की एकदम रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिली, तो उसी की वजह से यहां पर ये न्यूज में आया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट जो टैक्स एंड कस्टम है उसके द्वारा डायरेक्ट किया गया ऑफिसर्स को कि जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाए जो भी अनक्लेम्ड, अनक्लियर और जो भी यहां पर इस तरीके से जिसके अंदर सामान रखा हुआ है, कोई ऐसा है जिसके बारे में अब तक नॉलेज नहीं है, उन सारी चीजों को, उन सारे कंटेनर को जल्दी से जल्दी मूव किया जाए ताकि ईजी हो सके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो प्रॉपर हम लोग को पैटर्न लेके चलना है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह हमारी कंट्री के भी इंपैक्ट पड़ रहा है आज के डेट में। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कंटेनर आया कोई, पहले उसको चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद में उतारा जाएगा, उतारने के बाद में, खाली होने के बाद में
फिर से उसको बेसिकली जहाज में या फिर आप लोगों अगर रेल के अंदर उसको पहुंचाना है वहां पर रखा जाएगा, फिर वहां से उसको निकाल कर लेकर जाएंगे। पता चला उस कंटेनर को अब तक वेरीफाई नहीं किया गया, वो लाइन में लगा खड़ा हुआ है लंबे समय से, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ह्यूज इंपैक्ट इसका पड़ता है और इसी के साथ में बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। कंटेनर अगर क्लियर नहीं होगा तो जो सामान यहां से आया, जो माल यहां से आया, उसको चेक नहीं किया गया अब तक, तो पेमेंट में काफी ज्यादा डिले हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट में डिले होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी की आप लोगों को क्रंच देखने को मिलेगा, इनके लिक्विडिटी कम नजर आएगी आप लोगों। तो लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसे का अवेलेबिलिटी होना, ठीक है। तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं बैंकिंग भाषा के अंदर में। तो अगर पानी की तरह एक पैसा बाहर जा रहा है तो लिक्विडिटी काफी अच्छी है, पानी की जगह पैसा कम होता जा रहा है, मतलब पानी एक तरीके पानी निकाल लिया उसमें से, बास्केट में से, ठीक है, जग भर भर के आप लोगों ने, मग्गे भर भर के। तो इसका मतलब क्या होगा, पानी है नहीं है तो लिक्विडिटी कम होगी, तो पानी कम है तो लिक्विडिटी कम होगी। तो याद रखने के लिए इसको कनेक्ट कर लेना इसी तरीके से। तो उन सब चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए अभी यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है कंटेनर वाला ही फंडा, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। देखिए कोई भी न्यूज अगर आप लोगों को बताता हूं ना तो इसका मतलब ये नहीं है वो न्यूज वहीं पर ही कनेक्ट है। अगर आप लोग आगे चलकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो दिस इज ऑल्सो ए इशू, यानी कि ऐसा भी कोई इशू है उसको भी आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, तो आप लोग इसके बारे में बातें कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसे भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर लोकेशन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसी के साथ में आप लोगों को कुछ एरिया के बारे में बताऊंगा और क्यों ये न्यूज में है, डेनमार्क वाली लोकेशन दिखाऊंगा। तो कई सारी बातें हैं यहाँ पर। देखिए किसी भी अगर पर्टिकुलर अगर इन्वायरमेंट में रहने वाले प्राणी को मारा जाता है काफी लार्ज स्केल पर इलीगल तरीके से, तो काफी सारी न्यूज देखने को मिलती है। तो अभी ट्रेडिशनल जो एनुअल किलिंग है व्हेल और डॉल्फिन, जो व्हेल मछली होती है, जो डॉल्फिन होती है यहाँ पर, तो उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है तो ये भी कंट्रोवर्सी का एक रीजन बन गया है। बेसिकली कहां पर बना है, ये बना है नॉर्थ अटलांटिक वाले रीजन में। तो यहां पर फेरो आइलैंड है यहां पर, तो यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या है यहां पर, बेसिकली इसको एक वर्ड यूज किया गया है, इसको बोला यहां पर ग्रैंडर रैप, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक तरीके से फोर्सफुल किसी चीज को, एक तरीके से किसी चीज को क्या, नॉर्मली ये जो वर्ड यहां पर यूज किया जा रहा है, फोर्सफुल डॉल्फिन का हंट करना, शिकार करना, उसको मारना, तो ये वर्ड उसके लिए नॉर्मली यहां पर यूज किया जाता है। तो काफी लार्ज स्केल पर अभी यहां पर ये देखने को मिल रहा है ये पर्टिकुलर आइलैंड के पास में। तो आप लोगों को यहां पर डेनमार्क में देखने को मिलेगा। तो डेनमार्क को अगर आप लोगों को लोकेशन में देखना है तो आप लोग समझ पाएंगे एग्जैक्टली कहां पर है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर होगी, थोड़ा सा आप लोग इसको जूम कर जब देखोगे तो आप लोगों को डेनमार्क नजर आएगा एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये डेनमार्क हो गया, आप लोग यहां पर देखते हैं, इसके बारे में और भी बात करूंगा अभी यहां पर एरिया के बारे में। तो होता क्या है बेसिकली यहां पर, इस तरीके से जब चीजें देखने को मिलती हैं तो लगभग 1428 के करीब जो डॉल्फिन है यहां पर उनका स्लॉटर किया गया, यानी कि उनको मारा गया इस पर्टिकुलर आइलैंड के नाम, इस पर्टिकुलर आइलैंड में, ठीक है। तो यहां पर व्हाइट स्ट्रिप वाली जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो डॉल्फिन थी ये काफी एक तरीके से इनके बारे में बताया गया कि इनकी जो पूंछ लंबी थोड़ी उस तरीके से, और इनके कलर के बारे में बताया गया और साइंटिफिक नेम इनका बताया गया, ठीक है। साइंटिफिक नेम देखिए कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं तो थोड़ा सा अटपटा होता है, पर लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे यहां पर बोला गया, यहां पर ये बोला गया है लेनेरो रेनिचिस एक्यूटिस, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग यहां पर याद रखते हैं कि लेजेनो, ठीक है, लेजेनो, ठीक है। तो लेजेनो करके और फिर उसको डिवाइड कर लीजिएगा रेनिचिस एक्यूटिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी नाम जिस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कोई पर्टिकुलर जीव जंतु का, तो इसको क्या किया कीजिए, अगर कुछ याद नहीं होता है तो दो तीन बार उसको लिख कर देख लीजिए या फिर सामने लगा लीजिए कहीं पर, ठीक है। अगर अभी बात करें अटलांटिक ओशन के अंदर ग्रीनलैंड वाले एरिया में, मैसाचूट जो यूएसए वाला एरिया है, ब्रिसिट जो ब्रिटिश इसलिस या फिर नॉर्वे के अंदर, कई जगह आप लोगों को यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं यहां पर। इसके बारे में अगर बात करें पर्टिकुलर डॉल्फिन से रिलेटेड, नॉर्मली जो रिपोर्ट किए गए ऐसे इंसिडेंट, जैसे बैरेंट सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, इसी के साथ में एजोर्स जो सी हो गया, एड्रियाटिक हो गया। तो यहां पर बैरेंट दिखाऊंगा, बाल्टिक दिखाऊंगा और एड्रियाटिक दिखाऊंगा, ये वाला एरिया अपने आप देखना है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं कहां कहां पर है बेसिकली, अगर आप लोग देख पाएंगे यहां पर तो एग्जैक्टली लोकेशन आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं अपनी कंट्री कंपेयर में। अपनी कंट्री यहां पर होगी तो सबसे पहले एड्रियाटिक सी के बारे में बात करेंगे, पहले भी कई बार दिखा चुका हूं, रेगुलर अगर टच में रहते हैं तो पता होगा एड्रियाटिक सी आप लोगों को देखने को मिलेगा इटली के जस्ट ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने जो बात की है ये किसके बारे में बात की है, बेसिकली ये बैरेंट के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये आप लोगों को नॉर्वे के ऊपर देखने को मिलेगा, ये हो गया यहां पर बैरेंट सी, ठीक है। तो नॉर्वे के जस्ट ऊपर देखने को मिलेगा थोड़ा सा, और जब आप लोग नीचे आएंगे बाल्टिक सी के बारे में बात की जा रही है तो बाल्टिक सी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे आप लोगों से कई बार ओशियन के नाम देकर, सी के नाम देकर आसपास की लोकेशन पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इसके साथ में कनेक्ट है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे, वरना कंफ्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मैप बेस्ड, इसको जाकर घर पर निहारना कि कहां पर यह लोकेटेड है। बेसिकली देखिए कोई बातें बोलता हूं ना पूछने के लिए तो उसको जरूर आप लोग एक बार सर्च किया कीजिए। अगर IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात करें तो लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है।
अगर इंडियन वोटर में बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन और एरावाड़ी जो डॉल्फिन है, ये दो नाम है अपनी कंट्री से रिलेटेड, तो ये याद रखेगा क्योंकि बैकग्राउंड में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है। ओके आगे चलता हूं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर ही बन सकता है। रिसेंटली ऑफिशियल जो लेंथ है यहां पर, यह है मैमथ केव जो है यहां पर, यह काफी लार्ज स्केल का नेटवर्क है केव यानी कि गुफाओं का, और अंडरपास भी आप लोगों को कई सारे देखने को मिलेंगे जो अंदर ही अंदर रास्ते निकल कर जाते हैं। 420 माइल्स जो है यहां पर इसको अभी एक्सटेंड किया गया है, तो एडिशनल जो माइल है यहां पर 8 माइल इसके अंदर ऐड किया गया है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेड किया गया है केव रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मैमथ केव नेशनल पार्क भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और कहां पर है ये, केंटाकी है यूएसए के अंदर में, तो स्टेट ऑफ केंटाकी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कोई पूछ ले कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेचुरल केव कहां पर है, अंडरग्राउंड पैसेज का यहां पर इस तरीके से, तो ये आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, एक सेकंड, तो नेक्स्ट न्यूज है, तो ये आप लोगों को यूएसए के अंदर यहां पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट एक वर्ड यूज किया गया यहां पर, ये क्रस्ट टोपोग्राफी, तो इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये किस तरीके से किस किस चीज का बना होता है, तो उसके तरीके से बोला गया उस चीज का बना होता है। तो यहां पर याद रखना, अगर यहां पर क्रस्ट टोपोग्राफी के बारे में आप लोगों से कोई बात करे तो ये बोलना कि बेसिकली एक ऐसी टोपोग्राफी होती है जहां पर डिजोल्यूशन होता है, बेसिकली जैसे रॉक्स हो गई चट्टानों का, लाइमस्टोन, डोलोमाइट या जिप्सम, ये सारी जो यहां पर डिजोल्व होती है, तो ऐसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। टोपोग्राफी होती है स्थलकृति, यानी कि उस एरिया का कैसी स्ट्रक्चर है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर जो होती है तैयार की जाती है लाइमस्टोन, डोलोमाइट या फिर जिप्सम, जो नॉर्मली आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा नेचुरल तरीके से भी। ठीक है, तो उससे बनाया जाता है ये सारी चीजें। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ये एरिया जब न्यूज में आ गया है तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है 1981 में, और इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी बना था 1990s में, तो इसलिए भी यहां पर ये बेसिकली नेचुरल तरीके से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो यानी कि बैकग्राउंड में बेसिक इंफॉर्मेशन अगर ऐसी पूछी जाए कुछ लोकेशन के बेस पर, तो अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है यहां पर बेसिकली 30,000 करोड़ के करीब यहां पर दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL, जो एक कंपनी है यहां पर बेसिकली बनाई गई है बैड बैंक का एक तरीके से कवर करने के लिए। यानी कि जो बैड बैंक होते हैं, बैड बैंक क्या होते हैं, जब किसी पर्टिकुलर बैंक से आप लोग लोन लेते हैं और उस लोन को आप लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक तरीके से जैसे आप लोगों ने लोन लिया बैंक से और उस लोन को आप लोग दे नहीं पाते हैं, तो बैंक के लिए एनपी हो गया, तो बैंक ने तीसरे पर्सन को रख लिया कि आप लोगों से वो पैसा निकाले, तो वो जो पैसा निकालने का काम करेगा वो बैड बैंक होगा। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बैड बैंक क्या करेगा, वो रिकवर करेगा, कुछ अपनी परसेंटेज रखेगा, बाकी यहां पर रिटर्न कर देगा पैसा जिसका यहां पर पैसा था उसको। तो इसके चलते यहां पर काफी सारा पैसा ऐसा फंसा पड़ा है, तो उसको निकालने की बात की जा रही है। यहां पर अगर बात करें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है। इसने बोला था यहां पर कि 13.5 NPA इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ चुका है प्रेजेंट टाइम पे, जो यहां पर पहले 7.5 हुआ करता था सितंबर के महीने में। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, वो खुद बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के चलते ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। केवी कामत जो कमेटी है, ये भी एक कमेटी थी, इसने बोला था कि बैड बैंक जैसी कोई सिचुएशन आप लोग लेकर आइए ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत देखने को मिले तो आप लोग उससे रिकवर कर सके, क्योंकि बैड बैंक यहां से पैसा निकालने का काम करेगा। तो सेटअप करने की बात यही काफी जरूरी है बैड बैंक, तो बैड बैंक इज नॉट ए बैड बॉय, वो बैड काम को सही करने का काम कर रहा है, पर लेकिन नाम इसका बैड बैंक रख दिया क्योंकि वो नहीं कहते कि एक तरीके से कि हाँ एक तरीके से कि ये गंदा काम कर रहा है, एक तरीके से गंदे काम को साफ कर रहा है, तो आप लोग कूड़ा घर में उठाने वाला था तो कूड़े वाला बोल देते हैं उसको, जबकि कूड़ा उसका नहीं होता है, कूड़ा वो हमारा होता है, वो बस उसको उठाने आया तो उसका नाम कूड़े वाला बोल दिया। तो गंदी चीज को सफाई करने का काम कर रहा है यहां पर ये बैड बैंक, तो इसका नाम बैड बैंक रख दिया, ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलता हूं। यहां पर जो पैसा दिया गया इस कंपनी को, तो इनिशियली इसके पास में पैसा रहेगा तो ये अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकती है। जैसे आज की डेट में आप लोग कुछ मान लीजिए एस्टेब्लिश करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते। अगर छोटा सा भी कोई काम स्टार्ट करना होगा तो पैसा आप लोगों को चाहिएगा, तो वो इनिशियल पैसा जो दिया गया वो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया ताकि बैंकिंग सिस्टम को सुधारा जा सके। तो एनपी जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है यहां पर इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उसको बेसिकली कम किया जा सके। तो नेशनल असिस्ट जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये बेसिकली काम करेगी यहां पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है एज ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो यहां पर ये काम करेगी। और इंडिया के अंदर डेट रिजोल्यूशन जो कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, तो जिसको IDRL बोला गया, ये ट्राई करेगा सेल करने के लिए, यानी कि ये खरीदेगा ये सेल करेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, NARCL और IRDCL, तो ये मिलकर काम करेंगे यहां पर। और ये ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करना है, हमारी कंट्री में यूनियन बजट आया था 2021 में, उसमें ये बातें बोली भी गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और जानना चाहेंगे,
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो यहां पर इनको लाइसेंस दिया, जो कि क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, पर लेकिन कंट्रोल के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे यहां पर, तो कंट्रोल के बारे में याद रखिएगा, ये स्टार्टिंग में एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर जिसका नाम है यहां पर NARCL, ये स्टार्टिंग में ही इसको जैसे ही बैड लोन खरीदेगा इसका 15% पैसा तो स्टार्टिंग में दे देगा और 85% पैसा ये तब देगा जब वहां से रिकवर करके उसको आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। बाकी अगर आप लोगों से पूछने लगे यहां पर जी जो बैंक वही है, इस तरीके से जो चीजें बनाई जा रही हैं, इसमें अगर बात करने लगे आप लोगों से कि इसमें शेयर अगर आप लोगों से पूछे कि कितना है यहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, तो NARCL के अंदर जब आप लोग जाकर चेक करोगे तो यहां पर 51% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक का रहेगा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का है ना एट द एंड ऑफ द डे, पता चला लेकर निकलने यहां से चपत हो गए तो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। डिसीजन लेने में कैपेबिलिटी में यहां पर इन्हीं के हाथ में पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और IDRL जो बेचने वाली कंपनी है उसके अंदर जो शेयर रहेगा यहाँ पर 49% रहेगा बेसिकली, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक और जो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनका। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर बैड बैंक है NARCL और IRDCL, तो इसको पूरे को आप लोग बैड बैंक बोलेगा, जो कि बजट 2021 में अनाउंस किया गया। तो अगर बैंकिंग की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, इवन आगे चलकर अगर EPFO का कोई पेपर होता है उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये डायरेक्टली पूरे सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डालता है जो NPO होता है और बैंकिंग सिस्टम की खस्ता हालत होती है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए आज एक बच्चा बोला है, सर छोटी छोटी न्यूज का नाम देके बड़ी बड़ी न्यूज डिस्कस कर रहे हो। देखिए शॉर्ट न्यूज तो जानबूझ के यहाँ पर बस नाम हो जाते हैं, वरना ये सारी चीजें जो है जो आप लोगों को बताई जाती हैं ये पूरा एक टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। बस ये रहता है कि ताकि देखिए मेरा बेसिक पर्पज क्या रहता है, चाहे शॉर्ट लिखा रहे चाहे लॉन्ग लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो क्लियर नहीं है तो चाहे शॉर्ट लिख लो चाहे लॉन्ग लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉपिक अगर क्लियर नहीं हो रहा माइंड में तो टॉपिक के ऊपर फोकस किया करो, आप लॉन्ग शॉर्ट मत देखा करो। एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट न्यूज डिस्कस करने में इतना टाइम लगा देते हो, लॉन्ग में टाइम नहीं देता। अरे भैया ये तो देख लो, शॉर्ट न्यूज ही लॉन्ग तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऐसे मत देखो उसको, ठीक है। टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन बन जाए वो नहीं छूटना चाहिए, मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा अभी एक बच्चे के द्वारा सेंड किया गया सर झारखंड PCS का पेपर सेंड किया गया, अभी 19 को है ना सर, उसमें कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, अच्छा पेपर है उसके क्वेश्चन मैंने देखे, अच्छा पेपर है, मतलब कई सारे क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं उसमें, खासकर अगर बात की जाए कई सारे टॉपिक के, जैसे मैंने उसका एनालिसिस किया, तो देखते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर इस न्यूज के बारे में बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है यहां पर। यहां पर जो बात की जा रही है एक पर्टिकुलर रोबोट के बारे में बात की जा रही है, और ये रोबोट है यहां पर RexMach 2, ठीक है, तो MK2 यहां पर। तो पूछ ले कोई कि किस कंट्री का ये रोबोट है, तो याद रखना इजराइल की जो एरोस्पेस इंस्टीट्यूशन है उसका ये रोबोट है और उसके द्वारा यहां पर ये तैयार किया गया है रोबोट। तो इजराइल का जो ये रोबोट है काफी खतरनाक तरीके से काम करने वाला है आने वाले टाइम में, बोला गया है इसको वॉर में इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे आज के डेट में आप लोग देखते हैं ना कई सारी कंट्री सिपाही लिए खड़ी है, तो अगर सिपाही वहां रहेगा ही नहीं किसी कंट्री का, हम तो सिपाही लेकर पहुंचे सारे अपने सोल्जर लेकर पहुंचे, सामने वाले ने रोबोट उतार दिए, अब मार लो किसको मारना है, उनकी तो मशीन बेकार हो रही है पर लेकिन हमारे लोगों की जान जाएगी, तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर अगर बात की तो सेमी ऑटोनोमस मशीन है यहां पर एक तरीके से, जो कि आर्मी के सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करेगी और यहां पर और भी कई सारे काम करती हुई नजर आएगी। जैसे कि अगर बोला जाए यहां पर तो ग्राउंड लेवल पर जो ट्रूफ है एक तरीके से उनके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेगी, कैरी करेगी इंजर्ड जो सोल्जर हो गए उनको सप्लाई करेगी, जो बैटल से रिलेटेड जो चीजें हैं स्ट्राइक कर सकती है नियर बाय टारगेट पर, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कल को चल के रोबोट उतार दिए जाते हैं आर्मी के अंदर तो एथिकली ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है उनकी मशीन पर चोट लगी जरा सा कहीं पर, कोई गोली लगी कोई बम फूटा, पता चला उसने अपने ही सोल्जर को डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कौन सा अपने और कौन से दूसरे, अपने को ही निपटाने लगा। तो इसलिए कई बार इसको अनएथिकल माना जाता है कि मशीन के सामने इंसानों को नहीं रखना चाहिए और कभी भी वॉर इस तरीके से नहीं लड़ी जानी चाहिए। तो इसराइल जो मिलिट्री यहां पर ये काफी क्रूशियल है इसराइल के लिए, क्योंकि गाजा स्ट्रिप है, अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं एक मिनट एक सेकंड, अपनी प्यारी कंट्री यहां से है, तो यहां के कंपेयर में आप लोग देखा कीजिए, जब आप लोग यहां से जाएंगे इधर तो थोड़ा सा जूम करेंगे इसको तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जाते हैं मेडिटेरेनियन सी के पास में और यहां पर आप लोग आएंगे जब तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है, एक्चुअली एक सेकेंड ये दिख क्यों नहीं रहा है, अब वो अपडेट एक्चुअली अभी ना लाइट गई थी तो लाइट जाने की वजह से जो इंटरनेट था वो बंद हो गया, तो जैसे ही इंटरनेट चला तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रिकवर होने में, तो इसकी वजह से 4-5 मिनट बाद चलता है फिर वो ना राउटर बंद हो जाता है, तो
तो इसकी वजह से होता है ऐसी बातें, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करेंगे आप लोग, तो ये हो गया इसराइल, तो इसराइल में गाजा स्ट्रिप हो गया यहां पर, और ये वेस्ट बैंक हो गया। तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है फेलेस्तीन का पार्ट है। गाजा स्ट्रिप यहां पर ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम लोग रहते हैं, इनको टेररिस्ट करार भी दिया गया, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। तो इनको टैकल करने के लिए मेनली यहां पर इसराइल जो है कई सारे ऐसे स्टेप उठाता रहता है, तो इसी के चलते ये न्यूज में आ गया है। अनमैंड ग्राउंड जो व्हीकल है यहां पर ये इंक्रीज होते जा रहे हैं आज के डेट में, इंक्लूडिंग यूएसए, ब्रिटेन और रशिया, इनके पास भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि आज की डेट में अगर बात करें तो अनमैंड ग्राउंडेड जो व्हीकल है यहां पर अलग अलग कंट्री सामने निकाल कर लेकर आ रही है। यानी कि ऐसे एक व्हीकल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें इंसान नहीं रहता है, ये रोबोट रहते हैं, तो ये आने वाले टाइम में ये आप लोगों को लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। टास्क जो है यहां पर सामान को लाने ले जाने का, रिमूव करना माइंस को, फायर एक तरीके से फायरिंग वेपन के तौर पर भी यूज कहते हैं, ऑल्टरनेटिव स्मोट वॉल के तरीके से भी इनको कई बार यूज कहते हैं, फिजिकली और आर्म तरीके से पेट्रोलिंग करने का भी काम करते हैं। सीमा पर जैसे LAC के बारे में बात कर लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या फिर LOC के बारे में बात कर लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हम लोग अपने जवानों को न भेजकर, अपने सोल्जर्स हैं सिपाही हैं उनको न भेजकर हम वहां पर रोबोट लगा दें, ठीक है। तो जैसे ही कोई पाकिस्तान उल्टी सीधी हरकतें करे तो तुरंत उसको उठा उठा कर पटका गया रोबोट के द्वारा, ठीक है। तो हमारे इंसानों की भी जान नहीं जाएगी वहां पर, जो हमारे पर्टिकुलर जो फौज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव खोजा जाता है यहां पर ये। तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा यूज की जाती है यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर भी इस तरीके से। सिक्योरिटी मैनेजमेंट अगर इंडिया के बारे में बात करें तो CIBMS प्रोजेक्ट है यहां पर इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि यहां पर सॉल्यूशन खोज रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है बेसिकली इसको। तो पर्पज ये कि एग्जिस्टिंग जो बॉर्डर फैसिलिटी है वहां पर कैसे मशीन वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, डिटेक्ट करने में कोई ऐसी चीजें अगर हो रही है जो कि हम लोग को गलत लग रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। नेशनल काउंटर जो यहां पर रोग ड्रोन गाइडलाइन है यहां पर, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिली जो कि हमारी कंट्री में थी। तो इसी के चलते भी यहां पर कई सारी चीजें, जैसे कि कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तरीके से या फिर जो मिलिट्री बेस है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कल को चलकर किसी ड्रोन के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया अगर, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया, तो उनको भी सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जिनके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, कई बार वरना दिक्कतें पड़ जाएंगी, पता चला ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर वहां पर संभालना मुश्किल हो जाएगा चीजों को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। रेगुलर करंट अफेयर पढ़ने का आप लोगों को ये फायदा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने बजट नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आप लोगों को कुछ नहीं पता है बजट के बारे में, क्योंकि न्यूज एनालिसिस में बार बार बैकग्राउंड में बजट की चीजें आती रहती हैं। तो कई सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से सोल्व करते हुए नजर आएंगे, इवन आप लोगों ने कभी अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट को हाथ भी नहीं लगाया तो भी। तो यह फायदा होता है करंट का। जैसे अभी बात करता हूं आप लोगों से, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि 26,000 करोड़ रुपए यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI के लिए यहां पर खर्च किए जाएंगे, ये ऑटो कंपोनेंट या फिर ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, यानी कि मान लीजिए कल को चलकर आप लोगों ने एक कंपनी एस्टेब्लिश कर ली जिसमें आप लोगों को ड्रोन बनाना है, पर लेकिन आप लोगों के पास में यहां पर इतना ज्यादा पैसे नहीं है कि आप लोग इसको ढंग से आगे लेकर चल सकें, या फिर मार्केट में कंपटीशन ऐसा है कि आप लोग जो है उसको कंप्लीटली आगे नहीं चला पाते हैं, तो गवर्नमेंट बोलने लगे कि ठीक है यार कुछ हेल्प हम प्रोवाइड कराएंगे, लगभग 30% के करीब हम आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, आप काम करना स्टार्ट करो। तो उसके चलते कंपनी में हिम्मत आती है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, वरना अकेले पर्टिकुलर पर्सन अगर करने बैठेगा तो उससे चीजें नहीं हो पाएंगी। तो उसी के चलते आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी कंट्री में लाया गया कि बाहर से चीजें खरीद कर नहीं लेकर आनी है, अपने ही देश में बनानी है, तो ड्रोन को भी इसी तरीके से लेकर चला गया कि क्यों ना अपने ही कंट्री में हम लोग काम करना स्टार्ट करें। तो जो 26,000 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए, तो ऐसा नहीं है ये आनन फानन में कहीं से निकल कर आ गए। हमारी कंट्री में जब बजट 2021-22 प्रस्तुत किया गया उस टाइम पर बोला गया 13 सेक्टर बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया यूनियन बजट के अंदर में, 1.97 लाख करोड़ रुपए यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि हम अपनी कंट्री में जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, IT हार्डवेयर हो गया, लैपटॉप वगैरह बनाना, मोबाइल बनाना, स्टार्टिंग में मोबाइल लैपटॉप ये सब इनके लिए लाया गया था, आगे चलकर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया यहाँ पर केमिकल के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, लैपटॉप बनाना, कपड़े बनाना, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयां बनाना, तो सारे सेक्टर में इसको लगा दिया पब जो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हमारे देश में करेगा आकर, मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे देश को बनाएगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर के लिए भी ऐसी चीज देखने को मिली। इसी के साथ में ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लाई गई हमारे देश में, ताकि हमारे ही देश में चीजों को बनाया जा सके अच्छे लेवल पर, बाहर से खरीद कर नया लाए। हमारी कंट्री में भी फेम स्कीम लाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल को, यहां पर उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, जिसमें सेल होती है ना, जो सेल बनाई जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सबसे शानदार तरीका क्या है कि उसके अंदर सेल की जरूरत पड़ेगी, तो सेल अगर आप लोग बना पा रहे हैं यहां पर तो इसका मतलब यह कि बैटरी से ऑपरेटेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां पर, तो उसके चलते हमारी कंट्री में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई गई उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि फेम जो स्कीम है, फेम की फुल फॉर्म याद है ना, अभी दो दिन पहले बताई थी, इसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जल्दी से जल्दी हम लोग यहां पर बेसिकली
अडेप्ट करना है, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना है। तो इसके चलते ये बोला जा रहा है कि अगर इन सब चीजों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में 7.5 लाख के करीब आने वाले टाइम में हम लोग ऑटो सेक्टर में जॉब क्रिएट कर पाएंगे ओनली, बाकी ये दूसरे सेक्टर में तो पता नहीं कितना हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बजट 2021-22 में अनाउंस की गई 1.7 लाख करोड़ रुपए देकर, उसी को आगे चलकर यहां पर अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो जो ड्रोन वाला यहां पर एरिया है तो इसके अंदर बात करें, अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अच्छा खासा, तो बोला जा रहा है कि हजारों लोग यहां पर जॉब कर पाएंगे, और बाहर से जो हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं तो उसको भी हम लोग कर पाएंगे। आज के प्रेजेंट पर हम लोग 90% के करीब जो ड्रोन है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो सोचिए अपने ही देश में अगर ड्रोन बनाने लगे तो कितने सारे लोगों को जॉब मिलेगी, और अपनी ही कंट्री के बनाई हुई चीजें अपने पास में रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कल को कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, सामने वाले ने सामान देने से मना कर दिया। तो ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की बात की जा रही है इंडिया को 2030 तक का, तो ये भी इनका टारगेट यहां पर है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में। और कुछ बातें अगर बात करें तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो ऑटो सेक्टर है उसके लिए स्टार्ट की गई थी ताकि यहां पर चीजों को स्टार्ट किया जा सके। तो इंटरनल कंजप्शन जो इंजन है उसको लेकर आगे लेकर कैसे चलना है, ड्रोन सेक्टर के लिए अभी यहां पर लाई गई। तो इसी तरीके से हजारों जॉब क्रिएट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में अपनी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ नजर आएगा, तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक मूव आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यहां पर बात करते हैं रैंकिंग और इंडेक्सेस के बारे में। तो यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है टाइम्स हायर एजुकेशन जो होती है उसकी रैंकिंग के बारे में यहां पर ये बात करते हैं। तो क्या क्या बात की जा रही है अभी यहां पर, टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको THE बोलते हैं ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा, ये 22 एडिशन अभी यहां पर देखने को मिला। तो ओवरऑल इंडिया जो है 35 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि टॉप 1000 में आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो द अगर पूछा आप लोगों से कि टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो जो रिलीज की जाती है, ठीक है, द टाइम्स हायर एजुकेशन बेसिकली रिसेंटली रिलीज की है, इसके द्वारा रिलीज की जाती है। पूछे कोई वर्ल्ड एजुकेशन जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो द टाइम्स, ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। तो टोटल 1000 जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उसमें 35 हमारी कंट्री के देखने को मिले यूनिवर्सिटीज, सेकंड हाईएस्ट टोटल एवर जो रैंकिंग हमारी देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर लास्ट ईयर 36 थी। टॉप परफॉर्मर जो हमारे यहां पर है तो IIT रोपर है और JSS जो अकेडमी है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हायर एजुकेशन रिसर्च के अंदर में। ग्लोबली अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो ऑक्सफोर्ड जो है वो टॉप रैंकिंग में यहां पर देखने को मिली 6 साल लगातार, ठीक है। मेनलैंड चाइना की यहां पर है ये सिंगवा यूनिवर्सिटी, ये यहां पर एशिया में फर्स्ट टॉप नंबर पर यहां पर चल रही है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर बात की जाए यहां पर USA के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है, यानी कि टॉप 1000 में USA के अकेले के यहां पर 183 इंस्टीट्यूशन है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से QS रैंकिंग आप लोग देखते हैं, ठीक है, अर्लियर QS रैंकिंग निकल के आई थी, तो कई सारे ऐसे रैंकिंग निकाल के आते हैं। तो इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में अगर बात करें क्या इसके लिए हम लोगों ने कोई अपने देश में काम किया ताकि ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिले, जी हां, आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसमें हमारी कंट्री में क्या किया जा रहा है कि 20 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनको छूट देने की कोशिश की जा रही है, ऑटोनोमी बनाने की बात की जा रही है, 10 तो प्राइवेट रहेंगे और 10 पब्लिक रहेंगे ताकि वर्ल्ड क्लास इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास कर सके। हमारी कंट्री में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 2020 की, जिसके चलते एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिला। इम्प्रिंट के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, IMPRINT, ठीक है, जो इम्प्रिंट था इसको बोलते हैं यहां पर, बेसिकली इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर IIT के साथ मिलकर जो ISC है उनका ज्वाइंट इनिशिएटिव था, ठीक है। तो उच्चतर आविष्कार योजना निकल कर आई, जिससे के चलते फैकल्टी और स्टूडेंट को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, माइंडसेट कैसे चेंज करना है, तो दुनिया भर के इनिशिएटिव हमारे देश में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे जो इस एरिया में काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो बेसिक इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं, कंफ्यूजन बेसिकली आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने, इसके बाद में फिर देखेंगे। इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोगों ने बात की एक कोटेशन के बारे में, और एग्जैक्ट आप लोग याद रखिएगा ये वीडियो के बारे में, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। दो इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना, इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट था यहां पर जो हम लोगों ने आसियान के बारे में और ईस्ट एशिया के बारे में बात की डिटेल में, यहां पर ये कई सारी चीजें कवर होगी आप लोगों की, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में कंटेनर की प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वो समझा, व्हेल के बारे में कुछ बातें और कुछ लोकेशन देखी, इसी के साथ में एक और लोकेशन USA के अंदर इसके बारे में हम लोगों ने कुछ जाना। नेक्स्ट यहां पर शॉर्ट न्यूज के अंदर हम लोगों ने बात की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, बेसिकली क्या क्या बातें हैं बेसिक, और KB कामत कमेटी कुछ और बातें जानी। साइंस एंड टेक के अंदर हम लोगों ने यहां पर बातें देखने को मिली इसराइल से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम में इंडिया को भी ये चीजें मिल सकती है, इसराइल इंडिया का काफी अच्छा दोस्त है। PLI पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के यहां से बन सकता है। रैंकिंग और इंडेक्सेस के बारे में हम लोगों ने बात की, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं टकटकी लगाकर आप लोगों ने देखा होगा। आइए क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड राइनोज डे के बारे में आप लोगों को बताना है, थीम क्या है, वर्ल्ड रोज डे सेलिब्रेट करने का एम क्या है,
15th ईस्ट एशिया समिट की थीम बतानी है। ईस्ट एशिया समिट यहां पर बनाई गई थी, यहां पर किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नाम दिया गया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कमिटी का नाम बताना है, बैड बैंक को इंप्लीमेंट करने की बात इसके द्वारा बोलेगी। NARCL क्या है यहां पर, ये एरोस्पेस इंडस्ट्री कौन सी कंपनी की, कौन सी कंट्री की, जिसके द्वारा रेक्स मैक 2 ये अभी बनाया गया एक रोबोट। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं। देखिए फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए और रिवीजन करे बिना मत लिखा कीजिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे काम रिवीजन ही आने वाला है, वरना पढ़कर तो बहुत कुछ जाओगे पर लेकिन एग्जाम में कुछ याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करोगे रेगुलरली। अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया गया, थीम बतानी थी आप लोगों को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में हम लोगों ने बात की तो आप लोगों को यहां पर थीम बतानी थी। इसी के साथ में इंटरपोल का एक ऑपरेशन था जो कि इंटरनेशनल जो क्राइम हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो यहां पर क्या बताना था कि यहां पर कितने मेंबर हैं इसके अंदर, ये बताना था, और इंटरपोल की फुल फॉर्म बतानी थी और इस ऑपरेशन का नाम। बाकी यहां पर जो एक्सीडेंटल जो डेथ होती है, सुसाइड होती है, उसमें आप लोगों को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ये बताना था। ब्लैक हाइड्रोजन बेसिकली इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कौन है पर्टिकुलर पर्सन, एक कमेटी बनाएगी कि ब्लैक हाइड्रोजन को कंट्रोल करना है और ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चलना है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइल जो बेसिकली मोबिलाइजेशन जो डायलॉग है जिसको CAFMD बोला गया, ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा इंस्टॉल करने की बात की 817 गीगावाट, तो कब तक की है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। पैरादीप पोर्ट यहाँ पर कहाँ पर है और कौन सी नदी के किनारे पर है ये बताना था, किस राज्य में है। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है यहाँ पर ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जा रही है नो डेमेंसिया नो अल्जाइमर, तो डेमेंसिया भी यहाँ पर ये बीमारी है, एक तरह से भूलने की बीमारी। ठीक है, रिकवरी बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, तो ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंटरपोल, 194 मेंबर है टोटल, याद रखना। इंडिया भी इसका पार्ट है, हमारी कंट्री में जो CBI है वो यहां पर हमको रिप्रेजेंट करती है इंटरपोल के अंदर में। ऑपरेशन पेंजिया 14 था यहां पर फेक मेडिसिन के लिए। NCRV के बारे में बात की थी यहां पर, याद रखना। एक्सीडेंटल जो डेथ रिपोर्ट होती है, सुसाइड जो करते हैं, ये NCRV नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जरा बताइए तो सही। RK मल्होत्रा यहां पर ये कमेटी बनाएगी इन सब चीजों को देखने के लिए, कैसे हम लोग को बेसिकली ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना है। क्लाइमेट एक्शन जो फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये इंडिया और USA के बीच में देखने को मिला। हमारी कंट्री का टारगेट है 817, अभी यहां पर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2030 तक का। महानदी के किनारे देखने को मिलेगा, पैरादीप पोर्ट और बे ऑफ बंगाल के अंदर नजर आएंगी। आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करता हूं आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। रियलिटी में एंजॉय किया है तो बता सकते हैं लाइक या फिर डिसलाइक करके, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग टोटल 10 में से क्या मार्क्स यहां पर दोगे। और इसी के साथ में लगता है अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो ये चीजें दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती है। अच्छी चीजें हमेशा सोसाइटी में शेयर कीजिए, कोई गंदी चीजें जो लगती है सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट डालती है वो किसी के साथ भी शेयर आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ में PDF सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और यहां पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और अपने आसपास में सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं है, इनका अल्टरनेटिव खोजो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो, तब तक के लिए जय हिंद।